फ्लोर पर है और अब किस तरह की तैयारी है और कब से शूट रेडी होगा? हेलो, हमारी पूरी तरह से तैयारी हो गई है शूटिंग के लिए और बहुत जल्द हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं। मैं एज अ प्रोड्यूसर आज निकल रही हूँ स्पेन के लिए, क्योंकि वहाँ जाके मुझे अपने क्रू के लिए, अपनी फिल्म के लिए पूरी अरेंजमेंट्स करनी है जाके। तो एज अ प्रोड्यूसर आई एम लिविंग टुडे फॉर वैलेडोलिड सिटी मैड्रिड, एंड आफ्टर अरेंजमेंट्स मेरा क्रू बहुत जल्द आएगा एंड बहुत जल्द हमारी फिल्म फ्लोर पर होगी। मैम, स्पेन को ही क्यों चुना आपने? स्पेन एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और मेरी फिल्म की लोकेशन के हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि वो लोकेशंस मेरी जो स्टोरी है सूट कर रही है। आप इंडिया की पहली ऐसी प्रोड्यूसर हैं जो स्पेन में शूट कर रही है। अभी तक कोई फिल्म बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे शूट की हुई पूरी फिल्म जो स्पेन में शूट जी, तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेन की। जी 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 मैम, जैसे कि आपकी ये फिल्म है, फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह की फिल्म है और नाम क्या है इस फिल्म का? फिल्म का नाम है डेविल इन पैलेस। ये एक हॉरर थ्रिल रोमांटिक मूवी है, सब कुछ है इस मूवी में। और मैं सबसे ये कहूँगी कि मेरे बोलने से अच्छा जब ये फिल्म पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो जब देखेंगे तब जानेंगे कि हाँ, इस फिल्म में हमने अपना पूरा जी जान लगाया है, पूरी मेहनत है मेरी नहीं अकेले की, पूरे हमारा क्रू सब लोग, हाँ सबकी मेहनत है हम इस प्रोजेक्ट के साथ। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि सब अच्छे से सब हो जाए। काफ़ी दिनों से इस फिल्म की तैयारी चली थी और बहुत तेज़ी से तैयारियाँ चली हैं और फाइनली अब मंजर आम पे आ गई है फिल्म। तो फिल्म का अगर ग्राफ की बात करूँ तो आपके हिसाब से यूएसपी पॉइंट क्या होगा? उसकी लोकेशन या उसकी स्क्रिप्ट या उसके एक्टर या डायरेक्टर? बजट भी काफी जबरदस्त जा रहा है फिल्म का। हाँ, डिफिकल्ट तो रहा और सबसे पहली बात ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो उस हिसाब से मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकती हूँ। पूरी टीम की सपोर्ट है मेरे साथ में, सबका सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है मैं अकेली इसमें शामिल नहीं हूँ। और आज मैं निकल रही हूँ स्पेन के लिए, तो वहाँ जाके सब अरेंजमेंट्स करके अपना क्रू को बुला के जल्दी से शूटिंग हम स्टार्ट करना चाहते हैं बस। और अब आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड विक्रम संधू, उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ को मौका देते हैं आगे बढ़ने का। तो मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और जहाँ मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ओके, थैंक यू मैम। और अब मिस्टर गौरव कौशल ईपी, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। गौरव भाई आप बताइए, चेयर दे दो प्रोजेक्ट का। मैंने कहा कि वो आज निकल रही है, आई थिंक 2-3 दिन में हमारा आधा क्रू निकल जाएगा और 1-2 दिन में हमारी क्रू, बिकॉज हम कुछ चीज़ों में लगे हैं जो यहाँ पे शॉर्ट करना है, जो जैसे हमारे रिहर्सल्स हैं चालू हैं, हमारे गाने की कोरियोग्राफी चालू है, ये सब चीज़ें चल रही हैं डे बाई डे। जैसी एक्टिविटी बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे प्लान्स हैं, जो ऑलमोस्ट आई थिंक थोड़ा सामान आज चला जाएगा, थोड़ा चल जाएगा, धीरे धीरे आई थिंक सब सामान चला जाएगा। और आई थिंक मेरे साथ साथ जो मेरी ज़्यादा मेरी टीम है, जो मेरे राइट हैंड है, उनको मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करूँगा। पंकज एंड मंथन जो मेरी फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर हैं, मंथन पुरोहित, चीफ असिस्टेंट पंकज, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है सर। तो इतना मतलब आई थिंक डे वन से मेरे साथ खड़े हैं और
बहुत बहुत मेहनत की हमने और आई थिंक मैम का बहुत सपोर्ट था और सर का भी बहुत सपोर्ट था, तो धीरे धीरे आई थिंक, और हमारे टीम मेंबर एक कम है जशन करके, प्लीज़ जशन को बुलाई जाए। एक्चुअली मैं बहुत मेहनत की है इस फिल्म को लेके, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू शूट जशन सर का, मेरे डायरेक्टर का पूरा बैकबोन है, तो पूरी डायरेक्शन टीम है। तो अब मैं धीरे धीरे आई थिंक मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा विद एक्टर, जो हमारे सीनियर एक्टर हैं, मैं उनकी भी आई थिंक मुझे खड़ा होना चाहिए। परेश सर, परेश जी, ये हम बहुत ही, मतलब मैं कैसे बताऊं कि ये सर हमारी फिल्म के अंदर हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनका जो रोल है एक्चुअली बहुत ही अच्छा रोल है। और बाकी तो आप सर ही बताएंगे, आप सर किस तरह का रोल है और कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या कॉमेडी है क्या है? देखिए जब लोग मुझे स्क्रीन पे देखते हैं तो लोग यही लगता है कि मैं कॉमेडी करूँगा, लेकिन ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये पूरा आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है, ये एक थ्रिलर है, थोड़ा सा हॉरर है और थोड़ी सी कॉमेडी भी है। बिकॉज ऑब्वियसली जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनको वो देना पड़ता है, तो हम थोड़ी सी कॉमेडी करेंगे, लोगों को थोड़ा सा डराएंगे और लोगों को सोचने में मजबूर करेंगे कि अब आगे होगा क्या। तो मैं ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहता, बट इट बी एन एंटरटेनिंग जर्नी, इट बी अ थ्रिलिंग जर्नी, इट बी अ सस्पेंस फिल्ड जर्नी, एंड लोगों को ये फिल्म देख के बहुत मज़ा आएगा, इतनी गारंटी हम दे सकते हैं। अच्छा कि सच है, देखिए जो भी डेब्यू करते हैं उनको हम वेलकम करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, एक नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं और ये एक सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, कि वो इनहिबिशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का, कि यार हम पहली बार कर रहे हैं तो हम ये बचा लें वो बचा लें, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहें, ऐसा नहीं है। जो भी रिक्वायरमेंट है फिल्म की, उस फिल्म की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो खर्च करती हैं, वो एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को और वो एक्साइटेड रहती हैं, और ये बात एक प्रोड्यूसर के लिए पैशनेट होना बहुत ज़रूरी होता है, हर किसी के लिए जो भी शो हो या कोई फिल्म हो जिसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं उनको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इनको वेलकम करते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं और साथ मिलके अच्छी फिल्म बनाने का वादा करते हैं। तो आइए मैं अपनी अदर क्रू मेंबर्स, मेरे जो एक्टर हैं लीड एक्टर्स, उनसे मैं बताता हूं। अनस खान, अनस सब आ गए, सब रेडी है जाने के लिए स्पेन। प्रिटी गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज, कितनी मेहनत की आप लोगों ने स्पेन जाने के लिए? बहुत मेहनत की है, हमारे जो सबसे बेस्ट हीरो है वो तो अभी पीछे शुभ में आपको दिखाया जाएगा, जो हम हमारी कुछ थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताइए आप लोग। सोनम आप चालू कीजिए अपने से। हाय, मैं सोनम बिष्ट हूँ और मैं देहरादून से हूँ, एंड मैं एक्टिंग में यहाँ मुंबई में तीन साल से हूँ और ये मेरी फर्स्ट मूवी है, सो आई थैंक विक्रम सर टू गिव मी दिस चांस प्रेजेंट। हाय, आई एम प्रशांत मरेटो, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई हैव बीन इन द एक्टिंग लाइन फॉर 4 years नाउ, डन लॉट ऑफ शोज, वेब सीरीज एंड म्यूजिक वीडियोज, दिस इज माई फर्स्ट फिल्म, सो वेरी एक्साइटेड। मेरा नाम कबीर है और मैं इसमें चार का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और मैं थैंक यू बोलता हूँ विक्रम सर को कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया, सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। छोटी, हाय, आई एम वैशाली टक्कर एंड आई एम फ्रॉम इंदौर एमपी, वेल आई हैव बीन डूइंग टेलीविजन एज ऑफ नाउ एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, सुपर एक्साइटेड, सो थैंक यू सिमरन मैम एंड विक्रम सर। और मैं इनका छोटा भाई हूँ और ये मेरी भाभी हैं, और मैं वैसे मैंने डायरेक्शन की हुई है पहले, लेकिन ये मेरी फर्स्ट डेब्यू है और बहुत मजा आने वाला है। आप लग रहा है कि हिंदी फिल्म बन रही है, इतना इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ जी, तो मैं अनस इसमें देव प्ले कर रहा हूँ और काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो करने में बहुत मजा आएगा, और सोफिस्टिकेटेड रिच गाय, सो ऑन स्क्रीन ये जब दिखेगा तो अलग ही दिखेगा, मतलब
बहुत मजा आने वाला है, और परेश जी का साथ है और भाभी और बाजी का साथ है तो मजे तो आने ही आने। हमारे डायरेक्टर बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ बोलेंगे आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं भाई? शूट का बताइए, आप किस तरह से शूट कर रहे हैं स्पेन में, किस तरह से खूबसूरती दिखाएंगे आप स्पेन में? स्पेन में जो दिखाना चाह रहा हूं, मैं जो भी लोकेशन यूज कर रहा हूं मैक्सिमम वो सारी वर्जन लोकेशन है, उसका भी आज तक शूट नहीं हुआ है, वहां तक कोई पहुंचा नहीं वहां तक। सबसे बड़ी बात है कि मैं, मुझे खुद स्पेन में काफी टाइम हो गया वहां पे। सबसे बड़ी बात मैं जैसे मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट गाना है मेरा, जैसे आपने सेनोरिटा आपने सुना होगा, मैं मतलब फर्स्ट टाइम स्पेनिश और प्योर स्पेनिश सॉन्ग को जिसमें 150 डांसर्स यूज कर रहा हूँ मैं, स्पेनिश पूरी प्रॉपर स्पेनिश गर्ल्स और ये 6 एक्टर्स, और इस गाने 3-4 दिन में शूट कर रहा हूँ। मॉनिस्क्योर है वेलोडोनेट में, एक छोटा सा जगह मॉनिस्क्योर। और पाजी का कहना है अगर इसमें 2 हफ्ते भी गए इस गाने में एक्टर्स नहीं कर पाए तो मैं गाना बहुत अच्छी शूट कर लूँगा, चाहे जितना को मैं गाऊंगा मेरे को टेंशन नहीं है। नहीं नहीं जज्जा मतलब कब्रिस्तान बहुत ज्यादा हमारे खत्म करूँ। अब एक सीन में मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में कि सीन था मेरे लिए, उसी में मैं लिखा, मैं बड़ा अपसेट था कि मैं कैसे करूँगा सीन को उसको। उस सीन में मैं स्मॉल एयरपोर्ट मैं यूज कर रहा हूँ, हैव शूट इन 75 प्लेन्स चार्टर, मैं 75 प्लेन्स में यूज कर रहा हूँ, इन लोगों की कुछ जुगलबंदी है सारी प्लेन्स में इन लोगों की। कॉस्ट भले मुझे बहुत पड़ रहा है उस सीन के लिए, बट मैं आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, मैडम ने पैसा खुला दिया हुआ तो वो हम लोग, और काफी टाइम हो गया, आपने बहुत बहुत पुरानी फिल्मों में देखा आपने एयर बैलून्स बहुत पुराने, इस फिल्म में हम लोग वो भी यूज कर रहे हैं। और आज तो मैडम जा रही 2-3 बाद मैं जा रहा हूँ, के बारे में आपने जो बताया था कि काफी उस पे हाई कॉस्ट लग रहा है, तो आपने कब सोचा कि इस तरह का सीन करना है, ये कुछ इसके बारे में कुछ बताइए। जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, जब हम लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे थे इसके बारे में, तो कुछ चीजों को मैं दिमाग में रखते चल रहा था कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में हॉरर आता तो लोगों के दिमाग में क्या था, सेक्स हॉरर मतलब उल्टी कोपड़ी, तो मैं वो करना ही नहीं चाहता यार, क्योंकि मैं भीड़ में खड़ा कभी नहीं हुआ और भीड़ में खड़ा होना चाहता भी नहीं। मैं मेरे की सोचती कि अगर हॉरर तो मैं एक नई दिशा लेके जाऊं फिल्म को, मैं फर्स्ट टाइम रोमांटिक हॉरर करने चाह रहा हूँ, रोमांटिक हॉरर भूत और खौफ के साथ। भूत कौन बनेगा उसमें? एक स्पेनिश लड़की है, अच्छा बहुत स्वीट सी है, टॉप मॉडल इन स्पेन, मैगजीन की मॉडल है, बहुत बड़ी वो वहाँ की। हमारे इंडियन से नहीं होगी भूत? नहीं मैं सोचा था इंडियन से लिखा, पर इंडियन मजा नहीं आ रहा। आपने जो चुना है किस तरह से चुना, मुझे उसके बारे में। देखो क्या होता है आज की डेट में, मैं जब फिल्म के बारे में सोचा था, आर्टिस्टों के लिए सोचा था, ये दिमाग में था जो लोगों को पहले ही आप देख चुके हो ऑन स्क्रीन, तो वो कभी भी आप विजुअल नहीं कर पाते, तो मैं मद मुठ्ठी चाह रहा था, तो इसलिए मैंने नई कास्ट को चांस दिया सारा। कभी रियल लाइफ में भूतों से पाला पड़ा किसी का? पड़ा यार, सामने खड़े हैं। भूतों से? अरे मत पूछो, भूतों से भी ज्यादा हैं। पाला तो नहीं पड़ा है, पर मुझे बहुत डर लगता है, मैं कभी भी अकेले सोचती हूं, मुझे लगता है मेरे आजू-बाजू कोई है, सो हमेशा एक फीलिंग मेरे साथ होती है। प्रोड्यूसर साहब आपको मैं इस फिल्म में मैं एक या दो सीन ऐसे मिले इस फिल्म में, मैं चैलेंज से बोलता हूँ, मैं उस पे एक लास्ट एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी हवेली, उसमें इनाम रखा गया था कि अकेला बैठ के फिल्म देख लेगा तो कुछ पैसे, मैं कुछ 2-3 सीन ऐसे मेरे, अगर मैं बोलता अकेला फिल्म वो सीन देख ले गोविंदा, जो बोले मुंह मांगा इनाम दूंगा। इतना खूबसूरत लड़की को आप इतनी खतरनाक भूत बनाने वाले हो? ट्रीटमेंट थोड़ा सा ट्रीटमेंट है यार, मेरी फिल्म में एक्चुअली क्या था, ये फिल्म मेरी ट्रीटमेंट की है, ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट है सारी फिल्म का। और स्पेन की लोकेशन इस बार, क्योंकि पैलेस के मामले में और लोकेशन के मामले में स्पेन नंबर 1 है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत वो इधर जहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, वो एक शहर है। परेश भैया के बारे में बताइए कुछ तरह कि किस तरह की कॉमेडी होने वाली है, किस तरह की खुद एक चीज है। परेश जी ने इस फिल्म में आके मेरी काफी हेल्प की। देखो मैं एक्चुअली तक कुछ चीजों में कहीं अटका, एज यूजुअल मेरे पास आए और हमारी फर्स्ट टाइम हुई,
सबसे प्लस पॉइंट ये था कि जब मैं फिल्म कर रहा था तो मेरे दिमाग में प्रेम जी को लेके था, तो मैं फर्स्ट टाइम मिनिमम पहली बार हम लोग मिले, मैं प्रेम जी को बैठा और मैंने प्रेम जी का कि प्रेम जी बजट नहीं है मेरे पास फिल्म के लिए, मैं बजट नहीं दे सकता, आप जस्ट जोकिंग। तो उन्होंने भी बड़े भाई की तरह मुझसे बोला यार विक्रम मैं पैसे के लिए तेरे लिए फिल्म कर रहा हूँ। तो उसी दिन उन्होंने दिल जीत लिया था और उन्होंने काफ़ी मुझे स्क्रिप्टिंग में और चीज़ों में काफ़ी चीज़ों में हेल्प की, इज अ सपोर्टिंग, मैं ये बोल सकता हूँ इज अ स्वीट गाय। फिर भाजी ने इतना प्यार आया कि वंशीआर की चेक काट के दे दी। अच्छा मैं फिल्म के बारे में नहीं बताऊंगा बिकॉज फिल्म के बारे में जितना डायरेक्टर साहब ने बताना था उतना बता दिया। मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये फिल्म ऐसी बने कि लोग आके इस फिल्म को एंजॉय करें, और जिस तरह से कास्ट है और जिस तरह से हम अभी वर्कशॉप कर रहे हैं हमें बहुत मज़ा आने वाला है, और अगर एक्टर को मज़ा आता है तो मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है उसको भी मज़ा आएगा। सो ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप फिल्म का इंतज़ार कीजिए, सिर्फ दिवाली तक वेट कीजिए, दिवाली तक वेट कीजिए, हम आपको एंटरटेन करने आ रहे हैं दिस दिवाली 2018। ओके मैं तो आपके साथ तो कॉम्पिटिशन हाई है ना सबके साथ आपका, तो मुझे ये हर हालत में पीछे ए प्लस चाहिए, ए भी नहीं, मेरी कोशिश ही है। क्या क्या नजर आएगा, मतलब थ्रिलर सस्पेंस रोमांस सब सब है, सब है, सब है। कुछ नहीं बचा इसमें, सब है। स्नेहा नाम है, स्नेहा सुई जिसने तारीफ फिल्म के कॉस्ट्यूम किए हैं, ये हमारा चुरली बम है, यहाँ पे कहीं जोड़ना फट जाता है और बराबर काम करके आता है। इन दोनों ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए, एक से एक कॉस्ट्यूम ये लोग ने डिजाइन किए हैं, बहुत मेहनत की है दोनों बच्चों ने। अभी मेरी तारीफ तो करनी है, तो स्नेहा आपकी मैंने सुना है बहुत लड़ाइयां हुई हैं, हमारे किसी से लड़ाई नहीं है ऐसा। सबसे ज्यादा मेरे साथ ही बहुत सारे जितनी लड़ाइयाँ होते हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, बिकॉज लोग सोचते हैं कि क्रिएटिवली चीज़ को कैसे बेटर किया जाए, तो मेरे ख्याल से वो लड़ाई नहीं नोकझोंक होती है और वो होनी भी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन जिसे कहते हैं, ये हेल्दी डिस्कशन कितने हेल्दी थे वो हम आपको बात करते हैं। और आपके इस फिल्म में सबसे जिसने सबसे गप जा रहे हैं गरीब ने गालियाँ खाई हैं, डांट खाई है मेरी, गलती ये करते हैं लेडी पहुंचते डांट को खाता है वो है हमारा सनी, कैमरा टीम लेटा है चाहे काशिफ लेटा है और कोई लेटा है गाली वो खाता है। तो स्नेहा आपकी आपने इससे पहले दो तीन फिल्में की हैं, बट सेम ऐसे ही प्रोड्यूसर के साथ काम किया जिन्होंने आपको फुल छूट दिए कॉस्ट्यूम में, और मेरी बेस मुझे हमेशा प्रोड्यूसर्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे मेरी क्रिएटिविटी को पूरी तरह उतारने में हेल्प की। अच्छा ऐसे प्रोड्यूसर के नंबर और मैम है वो हमेशा मेरे साथ होती हैं, मैं पूरे सपोर्ट से हमने जो भी सर का विजन था उसको हमने प्लान आउट किया था और मैम की हेल्प से हमने उसको डिलीवर किया है। पर मेरे कॉस्ट्यूम का बजट इतना 3 गुना ऊपर ले गया था, मैम देख गए कितना मुश्किल होता है, मतलब कोई भी सीन जो होता है उसके लिए कॉस्ट्यूम बनाना और कितना मतलब हेल्दी वेल्दी इन सब के लिए माशाल्लाह सीन की सब मुश्किल होता है बिकॉज आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, डायरेक्टर का विजन, देन योर डीओपी की लाइटिंग्स एंड लोकेशन, एक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है ध्यान रखने के लिए, का क्या सूट है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या है ना, मैयत में जा रहे तो हम सो बात ये है कि हर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है और ये मेहनत दिखती है और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी दिखेगी जब वो फिल्म देखने आ रहेगी दिवाली में। जैसे आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन पूछना अगर हम आपसे पूछें, बहुत यही है कि जैसे आप मेहनत करते हैं शिद्दत से लगे हुए रहते हैं, हम भी अपने काम में लगे हुए हैं और इंश्योर करेंगे कि हम बेहतर प्रोडक्ट बनाए और लोगों को एंटरटेन करें। बताएं उसके बारे में, एज एन एक्टर फैमिली नहीं, फैमिली तो सारी फैमिली ही है, सब सारे एक्टर हम लोग फैमिली जैसे ही हैं, ओनली एक्टर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सेट पे आपको एज ए फैमिली मेंबर नहीं एज एन एक्टर ट्रीट किया जाता है, तो बहुत अच्छा प्रोफेशनल रीजन होगा। गालियां सभी खाते हैं टेंशन। हमारे भी सीन 0 फर्स्ट क्लैप, रोलिंग एक्शन।